हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा टेक प्लस। तो दोस्तों, आज हम इंस्टॉल करेंगे रॉकी लिनक्स। रॉकी नाम का वो रॉकी भाई है अपने, ठीक है, उनके नाम पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने वॉलपेपर भी उन्हीं का लगा रखा है। रॉकी लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे इंस्टॉल करके देखते हैं। 8.38 GB का है, बहुत ज़्यादा हाई फाई है, जैसा नाम है वैसा काम है, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टॉल करके देखेंगे, ऑफिशियल साइट पर चले जाना है, यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। डाउनलोड करके सबसे पहले मैं जो भी कहता हूँ कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नया लॉन्च हुआ है या पुराना भी, अगर ट्रायल करना चाहते हो तो सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करो, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, हमें सारी चीज़ें फीचर्स वगैरह पता चल जाते हैं वर्चुअली, ठीक है। हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने से पहले वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करके देख लेना चाहिए कि कैसा परफॉर्मेंस है, कैसे सिक्वेंस वगैरह, सारी चीज़ें सही है या नहीं है। तो एक्सपोर्ट मोड पर चलते हैं। एक्सपोर्ट मोड पर जाने के बाद आप नाम लिख लेना रॉकी भाई, सॉरी भाई जी, रॉकी लिनक्स KGF वाले, ठीक है। रॉकी OS लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके लोकेशन चेंज कर सकते हो, अगर 8 GB का दिक्कत होती है तो, ठीक है। लिनक्स पे जाके यहाँ से अदर लिनक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से जाके आपको एक करना है रैम सेलेक्ट कर लेना। रैम कम से कम 4 GB दे देना, वैसे तो कम में भी चल जाएगा, लेकिन 4 GB मिनिमम देना, थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, वरना दिक्कतें आएंगी। क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट करने के बाद यहाँ से जाकर रैम सेलेक्ट करना है, हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करनी है। हार्ड ड्राइव में सब हम 60 GB ले लेना। 60 GB लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जाके सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में चले जाने के बाद यहाँ से एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद बाई डायरेक्शनल कर देना है दोनों चीज़ों को, ठीक है। बाई डायरेक्शनल करने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जाने के बाद प्रोसेसर पे ग्रीन तक सेलेक्ट कर लेना, ग्रीन से ऊपर मत जाना वरना हैंग करेगा डेस्कटॉप, ठीक है, कंप्यूटर जो भी आपका। यहाँ पे डिस्प्ले का 128 MB, और यहाँ से ISO फाइल सेलेक्ट कर लेनी है आपको इजीली, जो हमने डाउनलोड की है। अब यहाँ से ओपन करते ही देखिए 8.39 GB दिखा रहा है आपको, ठीक है जी। नेट थोड़ा ज़्यादा अच्छी होगा इसे डाउनलोड करने के लिए। USB 3.0 सेलेक्ट करते हैं, ओके कर लेते हैं। अब करते हैं स्टार्ट, देखते हैं फर्स्ट लुक कैसा है, बढ़िया लुक है या नहीं है, ठीक है। ये हमने स्टार्ट कर लिया। अब स्टार्ट करने के बाद टेस्ट रिस मीडिया नहीं करना है हमें, हमें इंस्टॉल करना है डायरेक्टली। तो इंस्टॉल पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए इंस्टॉल सेलेक्ट करते ही ये सारे कमांड वगैरह चलने शुरू हो गए। यहाँ से जो है हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, 5-7 मिनट 10 मिनट लेगा। यहाँ से देखिए ये हिंदी शो कर रहा है, इंग्लिश शो कर रहा है, आपको जो भी लैंग्वेज प्रिफर करते हैं आप यूज़ करते हैं वो सेलेक्ट कर लेना। मेरे हिसाब से तो इंग्लिश इज़ मच बेटर होती है इन सब चीज़ों के लिए, बाकी हिंदी हमारी मातृभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे, जो रेड सिंबल में दिखा रहा है, उनको ज़रूर चेंज कर लेना। बाकी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन इनके बिना जो है, जो रेड रेड दिखा रहा है, इनके बिना जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी चीज़ें हम सेलेक्ट कर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारी चीज़ें सही हैं, हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन मीडिया पर जाके सेलेक्ट करके जो है डन कर देना। यहाँ से देखिए, ये देखिए ये एरर हट जाएगा, ये एरर हट गया हमारा, ठीक है। नीचे जाके रूट पासवर्ड पर पासवर्ड डाल देना है आपको, वीक बता रहा है, कोई बात नहीं, वीक ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, ओ डन करते हैं, एक और बार बटन दबाना पड़ेगा डन के लिए। डन कर दिया हमने। अब यहाँ से जो है आपका देखिए सारी चीज़ें सेट हो चुकी है, बिगिन इंस्टॉलेशन भी हाईलाइट हो गया है। हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के बाद जो है आपका कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा लेगा, तो आधे घंटे तक वेट कर लेना, 20 मिनट वेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद रिबूट का ऑप्शन आएगा। रिबूट का ऑप्शन से पहले जो है आपको ISO फाइल रिमूव करनी है आपने वर्चुअल बॉक्स से। ये देखिए रिमूव कर दिया, रिबूट करते हैं। अब यहाँ से रिबूट स्टार्ट हो गया है। रिबूट में कभी कभी क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन होती है, तो फोर्सफुली आप जो है आपने वर्चुअल बॉक्स जो ओपन किया है आपने उसको बंद करके दोबारा स्टार्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से हमने इंस्टॉलेशन सेटअप किया था। ये देखिए अब यहाँ से हमें सेटअप करनी है कुछ चीज़ें, स्टार्ट सेटअप करना है, प्राइवेसी लोकेशन हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं हमें, ये सारी चीज़ें हैं स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नाम वगैरह रखना है, नाम रख लेते हैं, पासवर्ड रखना है, पासवर्ड रख लेते हैं। ये देखिए पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ऑल डन हो चुका है, स्टार्ट यूजिंग रॉकी लिनक्स करते थे। तो भाई साहब इसका वॉलपेपर भी बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को तो, ठीक है। यहाँ से वेलकम टू रॉकी लिनक्स, अगर आप टूर लेना चाहते हैं तो उस पर टेक टूर कर देना, हमें ज़रूरत नहीं है तो नो थैंक्स कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से नो थैंक्स कर देते हैं,
ये हो गया हमारा नोट हैंक्स और यहाँ से एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी है, सबसे पहले मैं करता हूँ सेटिंग में जाता हूँ, रिजोल्यूशन चेंज कर लेता हूँ हमारा जो डिस्प्ले साइज़ है, डिस्प्ले साइज़ चेंज करके जो है हम अपने सूटेबल अपने हिसाब से डिस्प्ले साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं, कीप चेंजेस कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो है हो चुका है, ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। बाकी बेसिक चीज़ें आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलती जाएंगी। तो यहाँ से देखिए हमारा सॉफ्टवेयर वगैरह भी प्री इंस्टॉल्ड है, कुछ सॉफ्टवेयर जैसे ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑफिस वगैरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल है, ठीक है। कुछ भी आपको एक्सटर्नल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें जो भी है लिनक्स यूज़र्स यूज़ करते हैं तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, अगर ज़रूरत है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं इन्होंने, बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है आपको अपना जो है ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सबसे पहले उसके अंदर आपको YouTube लिखना है, YouTube पे जाना है। YouTube पे जाने के बाद आपको क्या करना है कि सर्च बार में आपको जाके मेगा टेकवर्स लिखना है, मेरा चैनल का नाम है, ठीक है। वहाँ से जाके आपको मेरा चैनल सेलेक्ट करना है, शायद फर्स्ट पे शो कर जाए। फर्स्ट पे शो करने के बाद आपको करना है सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो है हमें डिजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक यू वेरी मच।